हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ चाउमीन नूडल वाला। तो देखिए मैं क्या सामग्री इसमें डाल रही हूँ। इसके लिए मैंने प्याज काट लिया है, लहसुन काट लिया है छोटे छोटे करके, और यहाँ पर मैंने बीन्स काट लिया है, स्प्रिंग अनियन काट लिया है, शिमला मिर्च और गाजर, और थोड़ा सा मैंने खीरा था वो भी डाल दिया है। साथ में मैं यहाँ पर सोया सॉस लिया है, विनेगर लिया है, टमाटो हॉट एंड स्वीट केचप लिया है, ये चाउमीन मसाला मैंने बना के लिया है, और ये चाट मसाला है, थोड़ा नमक है, तो और ये नूडल है। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ गर्म पानी चढ़ा दिया जिसमें मैं नूडल बनाऊंगी, उसको बॉईल करूंगी, और उसको उबल जाने के बाद मैं उसमें नमक और इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। और इधर मैंने तेल चढ़ा लिया है, इसके लिए मैं सब्जी पहले फ्राइड कर लूंगी, उसके बाद नूडल्स को उसमें डालूंगी। पहले मैं लहसुन डाल दूंगी, थोड़ा सॉटे हो जाएगा, उसके बाद मैं अनियन डालूंगी। अब मैं गाजर डाल दूंगी, बीन्स डाल दूंगी, और इसको करीब 1 से 2 मिनट तक मैं ढक के पका दूंगी। दोस्तों इस तरह से नूडल को हम फैला देंगे तो वो धीरे 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 पानी के अंदर खुद ही चला जाएगा। देखिए अपने आप ही चला गया पूरा, जितना भी मैंने डाला था। दोस्तों इतना करीब नमक मैं डाल दूंगी पानी में, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच, जिससे कि नूडल चिपक ना जाए। देखिए दोस्तों, बीन्स और गाजर गल गए हैं। अब मैं इसमें खीरा और स्प्रिंग अनियन, शिमला मिर्च डाल दूंगी। थोड़े से स्प्रिंग अनियन ऊपर से डालूंगी, उसको मैं रख दूंगी। दोस्तों इसको हम तेज आंच में फ्राई करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं एक झन्नी वाला बर्तन है, इसमें मैं डाल दूंगी इसको। नूडल्स पक गए हैं, इसे ठंडे पानी से इसको हम वॉश कर लेंगे, नहीं तो नूडल ज़्यादा पक जाएंगे। इस तरह अगर हम रख देंगे तो नूडल पक जाएंगे, ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे, इसलिए हम इसको ठंडे पानी में अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। दोस्तों इसमें 1 ढक्कन विनेगर डाल देंगे, 1 से 1.5 ढक्कन, करीब 1 से 1.5 ढक्कन इसमें सोया सॉस दे देंगे। अब इसमें हम टमाटो केचप डाल देंगे, ये हॉट एंड स्वीट है तो मैं चिली सॉस नहीं डाल रही हूँ। दोस्तों अभी हम नूडल डाल देंगे इसमें। दोस्तों इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने सोया सॉस और टमाटो केचप भी डाला है, उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे, और थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे चटपटा बनाने के लिए, तो नमक उसी हिसाब से हम डालेंगे। और ये है ऑरिगेनो मसाला, मैंने मिक्स करके रखा हुआ है मसाले के साथ, तो वो डाल रही हूँ। स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा रखा था, मैं उसको डाल दूंगी इस पे, और मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और डालूंगी, 1 ढक्कन और सोया सॉस इसके ऊपर डालूंगी। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है तेज आंच पे। आपके पास बड़ा बर्तन हो नॉन स्टिक का तो उसमें बनाइएगा, तो इसमें बहुत आसानी से आप फ्राई कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, बनके तैयार हो गया है चाउमीन नूडल। आप सब इसको बना के ज़रूर खाइए, और अपने दोस्तों में ये रेसिपी शेयर कीजिए। अभी मैं इसको आपको सर्व करके भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। थैंक यू सो मच।